हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल का इज दिस सेड अवीश शर्मा। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पेंट प्रेजेंट में कैंडी चल रहा क्या बनेगा। ओके ओके, देखो ये रेड कैंडल बनेगा। मैंने यहाँ पर पुट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की है और इसका रीजन भी बताऊंगा कि ये मैंने क्यों ट्रेड प्लेस किया। और एक और चीज कहूंगा, अगर आपकी ट्रेडिंग लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अगर आपको नॉलेज नहीं मिल पा रही है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो भाई साहब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका भाई समझ कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि इस वीडियो में वो चीज़ मैं सिखाऊंगा जिसको आपने यूज कर लेना कंटिन्यू, तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे 101%, मैं गारंटी लेता हूँ। और हर लॉजिक पर मैं हर ट्रेड लेके बताऊंगा। आज मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा उस चीज के ऊपर कि उसमें कितना तो हमको प्रॉफिट होगा और कितना हमको लॉस होगा, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं बोल देता हूं कि जो चीज होने वाली मार्केट में होगी, ये रेड कैंडल बनेगा, तो यस रेड कैंडल बना, कोई एडिट नहीं है, कुछ भी नहीं, जो चीज बोलता हूँ एकदम क्लियर बोलता हूँ। जस्ट प्रॉफिट $783, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है प्रॉफिट बुक करना। लेकिन आप लोगों का माइंड ऐसा है कि लोग, आप लोग दिखावे में ज्यादा जाते हो। जो लोग अच्छा है पैसे दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा दिखा रहा है, आप लोग दिखावे के चक्कर में आज मरते जा रहे हो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, बच्चों इन लोगों से। पैसा बड़ी कीमत से कमता है यार, आप बड़ी मेहनत करते हैं तब पैसा कमता है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी लॉस किया तंगड़ा, ठीक है, लेकिन यहां तक आया हूं तो ऐसे नहीं आया, लॉस को रिकवर करने के बाद मैं यहां पर बैठा हूं, ठीक है। तो फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़ो, दिखावे के चक्कर में मत जाओ। लोग जो ज्यादा दिखावा करते हैं तो लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। एंड अगर आप न्यू हो ना यूट्यूब चैनल पर, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, आ जाना मेरे ग्रुप के अंदर में, एक बार ट्राई करना ग्रुप में आके, अगर बेस्ट लगे तो रहना, अदरवाइज लेफ्ट हो जाना, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रखना, अविकुट ट्रेडर ब्रांड है, ब्रांड क्यों, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट नेचर, सम्मान, ईमानदार, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, सीधा चलता हूँ मैं टॉपिक पे, जो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो देखो करना क्या है, कोई सा भी चार्ट आपको लेना है, कोई सा भी चार्ट आपको लेना है, और आपको सिंपल क्या करना है, एक इंडिकेटर उठाना। क्या करना, इंडिकेटर। इंडिकेटर सालों से सुनते आ रहे हो, लेकिन उसका यूज कैसे करना है आई थिंक आपको पता है या नहीं पता, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। उस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज, ठीक है। अब ये मूविंग एवरेज तो आपने लगा लिया है, इसकी सेटिंग कितनी करनी है, यहाँ पर देखो 10 की जगह आपको यहाँ करना कितना, 50, 50, ठीक है। 10 की जगह आपका 50 सेट हो चुका है यहाँ पर। एंड यहाँ पर SMA की जगह आपको करना है EMA, क्या करना है EMA। और कलर जो भी आप रखना चाहो, मैं रखूंगा इसमें पीला कलर, एंड थोड़ा सा इसका लाइन को थोड़ा मोटी करेंगे, राइट, जिससे आप लोगों को क्लियर दिख पाए। अब मुझे एक बात बताओ, इसका पता है यूज करने का तरीका क्या है। अब आपको बताता हूँ, ये इंडिकेटर मूविंग एवरेज जो मैंने सेटिंग की है ना, मैं 1001%, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, ये आपको 99% का तो क्या देगी, बिल्कुल 99% आपकी एक्यूरेसी बनेगी, 99% ये प्रॉफिट कराएगा। लेकिन लॉस कहाँ होगा, वो आपकी गलती की वजह से होगा। क्यों, क्योंकि आप हमेशा सिर्फ एक चीज पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हर चीज के ऊपर डिपेंड होना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, पूरी देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ सिखाने वाला। अब देखो ध्यान से, अब हमारी मूविंग एवरेज सेट हो चुकी है, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से हमारी मूविंग एवरेज सेट हुई है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इससे आप प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, तो ध्यान से देखो मेरी बात, ध्यान से। कोई भी कैंडल किसी भी डायरेक्शन में इस लाइन को ब्रेक करे, पीली वाली लाइन को, मूविंग एवरेज को, कोई भी कैंडल किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करे, तो आपको सेम डायरेक्शन में जाना है। एंड आप सेम डायरेक्शन में जाते भी हो, अगर आप इसकी सेटिंग भी नहीं करते हैं, तो आप सिंपल इस तरीके से आप यूज भी करते हैं कि आप सेम डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना कि आपको मल्टीकल यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, मल्टीकल आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इसके अंदर में। क्यों नहीं करना है, इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको, मल्टीकल कहाँ यूज करना है। अगर आप मल्टीकल भी यूज ना करें, तो अगर आप सेम अमाउंट से भी ट्रेड करेंगे ना, जैसे कि आपके पास में $100 का कैपिटल है, अगर आप नॉर्मली सेट कर लेंगे $5, ठीक है, मतलब $5 आप सेट कर लेते, तो आप पर ट्रेड $5 की ट्रेड लो, चाहे अगर लॉस भी हो जाती है ना, तो आपको मार्टिकल डबल अमाउंट मत करो, तो हर ट्रेड पे आप सेम अमाउंट लेके ट्रेड करो। अब बताता हूँ लाइव, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, देखो
ये कैंडल है यहाँ पर, मेरे माउस के सर्कल पे ध्यान देना और मेरी बातों पे ध्यान देना, यही आपको आगे बढ़ाई के बढ़ा के ले जाएंगे, यही आपको बढ़ाएंगे लाइफ के अंदर में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये देखो मेरे माउस के सर्कल पे ध्यान दे रहे हैं आप, कि एक रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। अब एक रेड कैंडल इस मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ, रेड कैंडल। तो आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट ट्रेड आपको सेम डायरेक्शन मतलब पुट डायरेक्शन में आपको ट्रेड ले लेनी है। तो ये तो हो गया आपका 95% का रेशियो होगा जो आपको इस तरीके से देखो शॉर्ट शॉर्ट लाएगा, ठीक है। अगर कोई भी ट्रेड लॉस होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल यहां लेता हूं, देखो आप लोगों के साथ में लाइव चल रहा है सब कुछ, ठीक है। आप देखो यहां ध्यान दो, अब एक मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज को एक ग्रीन वाले कैंडल ने ऊपर की तरफ यहां पर ब्रेक कर दिया, मतलब अपनी विक से भी ब्रेक करा है, ठीक है। तो यस, ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट ट्रेड आप किस पे लेंगे, रेड कैंडल पर। रेड कैंडल पे आप कौन सी ट्रेड लेंगे, कॉल डायरेक्शन मतलब अप डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ट्रेड आप लेंगे। लेकिन यहां तो आपकी लॉस हो चुकी है बॉस। जब आपकी यहां पर लॉस हुई है, तो आप यहां पर जो रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल का साइज दोनों के बराबर होता है, क्या होता है, दोनों के बराबर होता है। मेरी बात ध्यान रखना, यहां पर मैं 4 से 5 चीज सिखाऊंगा, या चीज को ध्यान रख लेना कि आप मूविंग एवरेज पे भी लॉस कैसे करते हैं। वो चीज मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों होता है लॉस आपका, आपका मार्टिकल भी क्यों लॉस होता है मूविंग एवरेज पर, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। और कैसे आप मार्टिकल से बचे और कैसे आपको मार्टिकल कैसे शॉर्ट शॉर्ट आपको ट्रेड मिले, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ध्यान दो कि ये एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बना हुआ और ये इस ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल आया, जहां पर रेड कैंडल पर आपने ट्रेड ली, लेकिन लॉस हो गई आपकी ट्रेड। लेकिन लॉस होने के बाद में आपने देखा है कि ये जो एक ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल है, लेकिन ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब इसकी बॉडी यहां से शुरू हो रही है, ऊपर से आप देख रहे हैं और नीचे तक, तो बिल्कुल वहीं की वहीं जस्ट क्लोजिंग है दोनों की बराबर में। जब क्लोजिंग दोनों कैंडल की सेम है, दोनों बराबर ही के ही कैंडल है, तो उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट ट्रेड लेनी है, वो लेनी है आपको कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। क्या लेनी है, कॉल डायरेक्शन। बात समझ में आ गई, आपको मार्टिकल पुट डायरेक्शन में नहीं जाना है या अप डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपको रीजन देखना है कि एक रेड कैंडल बना है यहां पर और रेड कैंडल तो मेरा लॉस हो गया है, क्या इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आने के चांसेस हैं या नहीं, यस या नो, ये डिपेंड करता है। तो इसके आपके डिपेंड कैसे रहेगा, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों कैंडल का साइज बराबर होना चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आपका आ जाएगा, जहां पर आप ट्रेड को प्लेस कर लेंगे। तो एक तो हुआ ये, एक सॉल्यूशन आपका, इससे आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि मार्टिकल आप यहाँ पर सेम डायरेक्शन ले सकते हैं, या मार्टिकल मतलब सेम डायरेक्शन मतलब सेम प्रॉफिट ले सकते हैं, मतलब कि आपने $5 की ट्रेड ली यहाँ पर रेड कैंडल पे, तो यहाँ भी आप $5 की ट्रेड ले सकते हैं अगर आपका कैपिटल लो है। अगर आप मल्टीकल यूज करना चाहते हैं तो यस, मल्टीकल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों के, बिल्कुल बहुत अच्छे से आ रही होगी, आई होप मुझे इतना पता है, क्योंकि देखो जो समझाने का तरीका मेरा बहुत प्यारा सा समझाने का तरीका, भाई आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैं फट पट 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 बोल बोल के बस चलाता हूँ, वीडियो बनाने का काम करूँ तो लो। अब आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ, अभी आपको और अच्छे बेटर से इस चीज के ऊपर बताता हूँ कि मूविंग एवरेज में आप कहाँ लॉस करते हैं और कैसे मार्टिकल आपको लेना है, ठीक है। अब देखो कहाँ ब्रेक करती है हमारी मूविंग एवरेज को, देखो यस यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, देखो यहाँ पर हम आए हुए हैं, देखो कितना शानदार लॉजिक है, और आपने देखा भी है इस चीज को कि एक रेड कैंडल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। तो भाई साहब आप कौन सी ट्रेड प्लेस करेंगे, भाई पुट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाना है हमको। तो सोचो यहाँ पर आपने पुट डायरेक्शन पर ट्रेड प्लेस की, लेकिन यहाँ तो एक ग्रीन, एक डीप कैंडल ग्रीन बन चुका है, लेकिन ये तो आपकी लॉस हो चुकी है। लेकिन ये लॉस होने के बाद में आपको क्या करना है कि नेक्स्ट ट्रेड पर आपको नहीं जाना है बॉस, आपको नेक्स्ट ट्रेड पर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको क्या करना होगा यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो, कि अगर एक रेड कैंडल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, उसके बाद में आप पुट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो आपकी ट्रेड लॉस होती है क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो आपको नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करना होगा।
क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का भी आपको यहाँ पर वेट करना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल का इसलिए आपको वेट करना होगा, अगर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनता है, क्या बनता है, नेक्स्ट कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल आपका बन जाता है, तो दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन हो चुके हैं, तो नेक्स्ट जो कैंडल आएगा, तीसरा कैंडल जो आएगा वो रेड ही आएगा, 101% गारंटी के साथ में मैं बोल रहा हूँ। और आपको यहाँ पर फिर पुट डायरेक्शन में, पुट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड आपको प्लेस करनी है, ये एक रेड कैंडल ही बनेगा। बात समझ में आ गई, जैसे आलो गेटिंग माई पॉइंट, दोबारा समझाऊं? चलो ठीक है, ध्यान से समझ लेना। रेड कैंडल ने नीचे की तरफ मूविंग एवरेज को ब्रेक करा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और आप सबसे ज्यादा लॉस यही करते हैं, सभी लोग लॉस यही करते हैं, लेकिन अब लॉस नहीं होगा क्योंकि आपका भी भाई है ना साथ में। टेंशन मत लिया करो यार, प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग के अंदर में, ठीक है। रेड कैंडल ने ब्रेक किया, यस, नेक्स्ट ट्रेड आपने सेम डायरेक्शन लोगे ग्रीन कैंडल पर, यहाँ पर आपने पुट डायरेक्शन ट्रेड प्लेस की होगी, लेकिन लॉस हो जाएगी। लॉस होने के बाद में आपको फिर भी एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, एक नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के बाद में एक नेक्स्ट कैंडल देखो, अगर वो रेड बनता है तो छोड़ो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढो ट्रेड लेने के लिए। लेकिन 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 ये जो कैंडल है ग्रीन, अगर यहां पर आपको दिख जाए कि यार ये भी एक ग्रीन कैंडल बना है, और दोनों कैंडल ग्रीन हो जाते हैं, मतलब रेड उसके बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल होते हैं, तो नेक्स्ट जो थर्ड कैंडल आएगा वो एक रेड कैंडल आएगा, ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहा है, जितना प्रॉफिट हो उतना बुक कर लो सभी लोग, और स्क्रीनशॉट दिया करो मुझे कि भाई मैंने आपकी वीडियो देखकर प्रॉफिट बुक करा है, मुझे अच्छा लगता है यार, मोटिवेट होता हूँ यार आप लोगों को, आप लोगों का प्रॉफिट देख के, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इन सब चीजों को यूज करना होगा, ठीक है। चलो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आप देखो यहाँ भी देखो, जस्ट यहाँ पे एक सेम डायरेक्शन एक चीज ऐसी मिली आपको, लेकिन यहाँ भी आप एक चीज ऐसी देखो कि देखो एक रेड कैंडल, मतलब एक रेड कैंडल नीचे की तरफ मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक होने के बाद में फिर एक ग्रीन जा रहा है, फिर ग्रीन जा रहा है, फिर ग्रीन जा रहा है, तीन कैंडल ग्रीन जा रहा है, ग्रीन जा रहा है। लेकिन आपको हमेशा एक चीज पे ध्यान रखना होगा, आपको ऐसी कभी भी गलती नहीं करनी है कि यहां भी ब्रेक कर दिया है, उसके बाद ऊपर से फिर यहां भी ब्रेक कर दिया, फिर यहां भी ब्रेक कर दिया, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए मार्केट, मतलब मार्केट एक साइडवेज नहीं होनी चाहिए, मार्केट एक ब्रेक करने के बाद में अब जानी चाहिए, और अब जानी चाहिए कम से कम एवरेज 7 8 कैंडल होनी चाहिए, 6 भी कैंडल हो जाए तब भी बात बन जाती है, ठीक है। तो कम से कम नॉर्मली 6 से लेके 7 कैंडल होनी चाहिए ऊपर जाके, फिर मार्केट नीचे ब्रेक करे तो हम उसको मानेंगे यस यहाँ पर कंटिन्यू हमारा ब्रेक हो चुका है। लेकिन मार्केट यहाँ पर 3 कैंडल के बाद में 4 कैंडल के बाद में ब्रेक करते तो भाई साहब वहां पर कफला है मार्केट का, वहां पर मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, जिसका आपको लॉस देगी 100%। तो आपको इस तरीके से तो नहीं करना है, बात समझ में आ रही है। मार्केट बहुत चालाक है, आप जितने चालाक हो ना मार्केट 20 गुना आपसे चालाक है भाई, वो सब जानती है कि लोग कहाँ फंसने वाले हैं, कौन से ट्रैप में फंसने वाले हैं, कौन सा ट्रैप है ऐसा जो मार्केट में आपका लॉस सबसे ज्यादा करा देगा, ठीक है। तो इस चीज से आपको बचना होगा, कम से कम 6 से 7 कैंडल आपको देखना, तभी आपको एक शॉर्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ट्रेड मिल पाएगी, ठीक है। तो देन ये चीज क्लियर हुई, अब आते हैं पीछे देख लो, क्या बोला मैंने, रेड कैंडल ने नीचे ब्रेक किया, यस ब्रेक किया, देन उसके बाद में आपने यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो बना हुआ, यहाँ पर आप पुट डायरेक्शन ट्रेड लेंगे, यस लेंगे, लेकिन लॉस होगी, तो नेक्स्ट कैंडल का आपको वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन जाता है तो आपको बिल्कुल थर्ड कैंडल पर चुपचाप आंख मीच के पुट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दो, 101% आपकी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगी। भाई ट्रेड लॉस होती है तो कैसे प्रॉफिट में एंड किया जाता है, वो चीज को सीखो, ट्रेडिंग लॉस तो एक ट्रेडिंग का पार्ट है, लेकिन उसको रिकवरी करना जादू सीखो उसको रिकवरी करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको सीखनी होगी सबसे फर्स्ट, ओके। यहां भी ध्यान दो, ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करा, यस, तो नेक्स्ट कैंडल कौन सा आया, ग्रीन आया, बिल्कुल आपकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। यहां पर कहीं भी देखो, कहीं भी हर चीज बताऊंगा मेरे दोस्त मेरे भाई, देखो रेड कैंडल ने ब्रेक किया, यस, तो नेक्स्ट ट्रेड सेम डायरेक्शन पुट डायरेक्शन में शॉर्ट शॉर्ट हो गई, रेड कैंडल ने ब्रेक करा, यस, नेक्स्ट ट्रेड पुट डायरेक्शन शॉर्ट शॉर्ट हो गई। आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा जो चीज मैं समझा रहा हूं, कैसे आप बच सकते हो, ठीक है।
तो मैं एक और चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल जरूर। ये तो हमारा चार्ट हुआ यूएसडी आईएनआर, हम ले लेते हैं यूएसडी पीकेआर। अब बताओ ये कैंडल क्या बनेगा, ये कैंडल बनेगा एक मतलब ग्रीन कैंडल, देखता हूँ एक सेकंड को। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सिंपल सा एक लॉजिक चल रहा है, और ये कैंडल एक से एक्चुअली मेरा चार्ट रुक गया, एक सेकंड एक सेकंड। यार यही दिक्कत है, वाईफाई थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है ना, यही दिक्कत आ जाती है कभी कभी। अब देखो इंटरनेट नहीं चल रहा वाईफाई का, चलो एक सेकंड ठीक है, वेट करो। सॉरी बिल्कुल भी चार्ट नहीं चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है मेरा, लेकिन थोड़ा आज मुझे लगता है कोटेक्स में थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। तो ठीक है मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, बट मैंने आप लोगों को सब कुछ चीज़ समझा दिया है। ठीक है मिलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो ये जो कैंडल बन रहा बनेगा ना, इसमें एक लॉजिक है, इसमें लॉजिक कैसे आपको समझना है कि यहाँ पे देखो गैप डाउन होने वाला था बैक टू बैक ग्रीन, तो नेक्स्ट जो कैंडल जो होने वाला है ठीक है ना, जो चीज़ होने वाली, ओके यस चालू हो गया मैं देखा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सिंपल अगर इस तरीके से अभी आपको कोई भी चीज मिले ना, यहाँ पर एक पैटर्न है वो ध्यान से सुन लो। अगर कोई भी कैंडल, देखो ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, देखो ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल ने मूविंग एवरेज को बिल्कुल मतलब वहीं पर जस्ट क्लोजिंग हुआ है इस कैंडल का। कैंडल जब क्लोजिंग होता है मतलब टच तो हो चुका है, देखो टच हुआ है, टच होने के बाद में आपको सेम डायरेक्शन में जाना है, मतलब ये रेड कैंडल बना है तो आप यहाँ पर एक कॉल डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करेंगे तो आपके लॉस हो गए। लॉस होने के बाद में आपको वेट करना है, अभी यहाँ पर वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनता है। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बनता है, यस दो कैंडल यहाँ पर रेड हो जाते हैं, तो आपको थर्ड कैंडल पर कॉल डायरेक्शन में चुपचाप ट्रेड प्लेस कर देंगे, आपकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी। भाई मैं 100% बोल रहा हूँ इस चीज को यूज कर लो, प्यारा सा है, प्रॉफिट देगा गारंटी के साथ, मैं बोल रहा हूँ जो चीज मैं समझा रहा हूँ। ठीक है छोटी छोटी बातों को आपका विशेष ध्यान रखना होगा, यहाँ पर प्रॉफिट कैसे किया जाता है। देखो यार कहीं भी देखो, कहीं भी डायरेक्शन हो रही है शॉर्ट शॉर्ट, ये देख लो शॉर्ट शॉर्ट सेम वही दो कैंडल का रोल है, दो कैंडल का वेट करके ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट हो जाएगा आपको। ठीक है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है तो एक चीज विशेष ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में लिख गया आ जाना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, जहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड यूज करके डेफिनेटली आप प्रॉफिट बनेंगे। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक और प्यारा सा कमेंट, अगर आप यहाँ तक हो वीडियो में तो आप बिल्कुल सीरियस हो, तो एक कमेंट करके ही जाना होगा आपको। ठीक है एंड गाइस लव यू, आपसे लोगों से मिलता रहूंगा और प्रॉफिट मैं आपको कराता रहूंगा, ये गारंटी है। ठीक है आ जाओ।